मनीष सिसोदिया को रिमांड पर भेज दिया गया है, वो भी 4 मार्च तक, यानी 5 दिन तक वो सीबीआई की कस्टडी में रहेंगे। सीबीआई इनसे पूछताछ करेगी। सिसोदिया को अक्टूबर में भी पूछताछ के लिए बुलाया गया था। चलिए जानते हैं कि सीबीआई के रडार पर आखिरकार सिसोदिया कैसे आए। सीबीआई ने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को शराब नीति घोटाला मामले में लगातार पूछताछ के लिए बुलाया और अब अरेस्ट कर लिया। उन्हें आईपीसी की धारा 120B, 477A और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत गिरफ्तार किया गया। सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को सबूतों को नष्ट करने का भी आरोपी पाया है। इसमें उनकी मिलीभगत सामने आई है। मामले में उस ब्यूरोक्रेट का बयान बेहद अहम है जिसने सीबीआई को दिए अपने बयान में कहा था कि एक्साइज पॉलिसी तैयार करने में सिसोदिया ने अहम भूमिका निभाई थी और जीओएम के सामने आबकारी नीति रखने से पहले कुछ निर्देश भी दिए गए। शराब नीति में कुछ ऐसे प्रावधान जोड़े गए थे जो पहले मसौदे का हिस्सा नहीं थे। इस पर सिसोदिया ये नहीं बता पाए कि उन प्रावधानों को कैसे शामिल किया गया। इतना ही नहीं, इस बारे में आबकारी विभाग में हुई चर्चा या फाइलों का कोई रिकॉर्ड भी नहीं था। ज्यादातर सवालों के जवाब में सिसोदिया ने कहा, मुझे नहीं पता। आबकारी विभाग में काम करने वाले एक अधिकारी के बयान ने ड्राफ्ट को बदलने में सिसोदिया की भूमिका का खुलासा किया। वहीं जब्त किए गए डिजिटल साक्ष्यों की फॉरेंसिक जांच से पता चला कि ये प्रावधान व्हाट्सएप पर एक अधिकारी द्वारा प्राप्त किए गए थे। इनकी गिरफ्तारी में दिल्ली के बड़े कारोबारी दिनेश अरोड़ा की भूमिका अहम थी। दिनेश अरोड़ा सिसोदिया के करीबी रहे हैं और इस मामले में वो सरकारी गवाह बन गए हैं। दिनेश अरोड़ा दिल्ली के रेस्टोरेंट इंडस्ट्री का जाना माना नाम है और पिछले साल नवंबर में उन्होंने खुद दिल्ली की अदालत में अर्जी दाखिल कर सरकारी गवाह बनने और मामले से जुड़ी सारी बातें बताने के लिए अर्जी दी थी। दिनेश ने कोर्ट में बताया था कि उन पर किसी तरह का दबाव नहीं है और ना ही सीबीआई के कहने पर ऐसा किया गया। सीबीआई ने जो पहली एफआईआर दर्ज कराई उसमें दिनेश अरोड़ा का भी नाम था। एफआईआर में राधा इंडस्ट्रीज के डायरेक्टर दिनेश अरोड़ा के अलावा रिटेल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर अमित अरोड़ा और अर्जुन पांडे का नाम शामिल था। इन्हें डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का करीबी बताया गया था। एक और चीज वो ये कि पूर्व सचिव के बयान से सिसोदिया फंस गए। अधिकारी ने पूछताछ में बताया कि सिसोदिया ने मार्च 2021 में अरविंद केजरीवाल के आवास पर बुलाया था। यहां सत्येंद्र जैन भी मौजूद थे। इस दौरान उन्हें जीओएम यानी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स रिपोर्ट की प्रति दी गई। इस ड्राफ्ट कॉपी से 12% प्रॉफिट मार्जिन क्लॉज जोड़ा गया, लेकिन इसके कोई रिकॉर्ड या चर्चा शामिल नहीं है कि कैसे 12% का प्रॉफिट मार्जिन क्लॉज जुटा है। सीबीआई ने फरवरी के पहले हफ्ते में सीआरपीसी की धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने अधिकारी के बयान दर्ज कराए और उसे गवाह बनाया। सिसोदिया के कार्यालय में जब्त कंप्यूटर और उनके सचिव के बयान की मदद से सीबीआई को सिसोदिया तक पहुंचने में मदद मिली। दरअसल 17 अगस्त 2022 को सीबीआई ने नई आबकारी नीति में धोखाधड़ी रिश्वतखोरी के आरोपों के तहत डिप्टी सीएम सिसोदिया और बाकी 15 लोगों पर मामला दर्ज किया था। पिछले साल 19 अगस्त को एजेंसी ने सिसोदिया और आपके 3 अन्य सदस्यों के आवास पर छापेमारी की। इसके अलावा दिल्ली एनसीआर के कई ठिकानों पर छापेमारी हुई। खबरों की माने तो इस छापेमारी के दौरान सीबीआई ने कई डिजिटल डिवाइसेस भी जब्त किए। डिजिटल डिवाइसेस की जांच के दौरान कई खुलासे हुए। इस दौरान एजेंसी ने एक्साइज पॉलिसी ड्राफ्ट दस्तावेजों में से एक को अलग सिस्टम में ट्रेस किया। बताया जा रहा है ये डिपार्टमेंट नेटवर्क का हिस्सा नहीं था। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।